हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्स 999 डिवाइन हीलर। आई होप गाइस आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पॉजिटिव अफर्मेशंस देते होंगे। ओके, सो यस, जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम सीक्रेट एडमायरर की रीडिंग करने वाले हैं गाइस। सो आपका सीक्रेट एडमायरर कौन है, कौन अपर वॉच रख रहा है, कौन अपर स्पाई कर रहा है, कौन आपसे सीक्रेटली प्यार करता है या फिर सीक्रेटली आप पर मरता है। ओके, सो ये रीडिंग हम करने वाले हैं गाइस। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शंस भी रखे हैं एंड यहाँ पर मैंने आपके नाम के इनिशियल्स भी रखे हैं गाइस। ओके, सो जो ऑप्शंस नहीं पिक कर पाते हैं तो आप अपने नाम के इनिशियल भी ले सकते हो, ठीक है। सो पाइल नंबर वन जो है ये मारी गोल्ड है एंड उसमें इनिशियल से ए से लेकर एम तक के इनिशियल हैं। पाइल नंबर टू, ऑप्शन नंबर टू जो है ये सनफ्लावर है और उसमें इनिशियल है एन से लेकर सिद्ध के इनिशियल है गाइस। ओके, सो जो भी आपको आई कैचे लग रहा है, जो ऑप्शन आपको आई कैचे लग रहा है वो पिक करना है, या फिर आप अपने नाम के इनिशियल से भी जा सकते हो, जो कि हम सीक्रेट एडमायरर की रीडिंग करने वाले हैं, सीक्रेट लवर की रीडिंग करने वाले हैं गाइस। ओके, सो लेट्स बिगिन विद पाइल वन जो कि मेरे लेफ्ट हैंड पर है। हे पाइल वन, तो अगर आपने पाइल वन चूज करिए गाइस, अगर आपने मारीगोल्ड का कार्ड चूज करा है एंड अगर आपने नेम के इनिशियल्स ए से लेकर एम तक को चूज करा है, तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपका सीक्रेट एडमायरर कौन है। जहां तक मैं साइकिक लेवल पर बात करूं, पाइल वन ऑप्शन नंबर वन, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कहीं ना कहीं आप लोग जानते हो कि आपका सीक्रेट एडमायरर कौन है। ओके, बट मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि वो खुद होके आपसे बात करे या फिर खुद होके वो आपसे कम्युनिकेट करें। ओके, जहाँ तक मेरी एनर्जी मुझे बता रही है, मैंने वही बताया गाइस। ओके, बट मेजॉरिटी व्यूवर्स पाइल वन के आपको पता है कि आपका सीक्रेट एडमायरर कौन है। ओके, या फिर हो सकता है कि आप लोग सिर्फ उससे कैजुअली बात करते हो, कम्युनिकेट करते हो, चाहे वो सोशल मीडिया साइट से हो या फिर एक मैरिज के तौर पे हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। बट ना एक फ्रेंडली किन्स के तहत भी आप लोग बात करते रहेंगे। ओके, ऑप्शन वन या पाइल वन, तो चलिए देखते हैं आपका सीक्रेट एडमायरर कौन है। पाइल नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन, सीक्रेट एडमायरर कौन है आपका। सो फर्स्ट कार्ड है एज ऑफ सोर्ड्स है, टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। पता नहीं मैंने थ्री क्यों कहा, बट टू ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। ओके, एक सेकेंड में इधर रख देती हूँ। एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर गाइस, इट्स थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओके, आप खुद देख रहे हो यहाँ पे सोर्ड्स के कार्ड ज़्यादा है गाइस। ओके, मैं बताती हूँ, एक सेकेंड ना, यहाँ से भी यहाँ पर फाइव ऑफ वंड्स है यहाँ पर। और थोड़े कार्ड्स लेती हूँ एंड देन आपको बताती हूँ आपका सीक्रेट एडमायरर कौन है। पाइल वन, ऑप्शन वन, सीक्रेट एडमायरर फॉर पाइल नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन। सो फर्स्ट कार्ड यू हैव इट्स अ सर्वेंट, उसके बाद है होप, उसके बाद है डेथ कार्ड। ओके, उसके बाद है सरप्राइज। वाओ, अच्छा, एंड यहाँ पर बॉटम में है हाउस। ओके, सो पाइल वन एंड ऑप्शन नंबर वन, मुझे मैंने जैसे कार्ड निकालने से पहले ही कहा था गाइस, कुछ चीज़ें मैं जो है वो पिक कर लेती हूँ। ओके, रीडिंग के दौरान या फिर एनर्जी वाइज में पिक कर लेती हूँ एंड वही कुछ कार्ड्स भी निकले हैं। ओके, जैसे कि मैंने कहा था कि मेजॉरिटी पाइल वन के जो व्यूवर्स को पता है कि आपका सीक्रेट एडमायरर कौन है, आपका लवर कौन है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है पाइल वन, ऑप्शन नंबर वन, आपने इस इंसान के लिए बहुत कुछ करा है अपनी ज़िंदगी में, पास्ट में। ओके, बट ये इंसान आपको भाव नहीं देता है या फिर वो आपकी ज़िंदगी से चला गया है। पाइल वन,
कहीं ना कहीं उसने आपको दर्द दिया है या फिर आपने दर्द दिया है, वाइस वर्सा हो सकता है गाइस। जैसा आपसे रेजोनेट होता है वही लेना है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। मैं काफ़ी सारी चीज़ें बताती हूँ, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस बताती हूँ, सो दैट आपको पता लगे कि ये आपकी रीडिंग है या फिर हर एक एनर्जी अलग रहती है गाइस, हर एक सिचुएशन अलग रहती है। बट जहाँ तक मुझे एनर्जी मिल रही है, पाइल वन ऑप्शन नंबर वन, कहीं ना कहीं ये वही इंसान है जिसके लिए आपका दिल धड़कता था या फिर जिसके लिए आपका एक इमोशंस था इस पर्सन के साथ। अभी ये इंसान कहीं ना कहीं दर्द में है, कहीं ना कहीं तकलीफ में है, और कहीं ना कहीं उसको रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, मान लो अगर आपका आपके पास में कोई नहीं था, बट ये सिर्फ आपका कैजुअल फ्रेंड भी हो सकता है, जिसके माइंड में, जिसके हार्ट में आपके लिए इमोशंस थे, जो आपके लिए सब कुछ करना चाहता था, आपके आपकी लाइफ में खुशी लाना चाहता था, हैप्पी लाना चाहता था। अभी भी हो सकता है कि अभी भी वो आपको स्पाई करता है, अभी भी आपको और नज़र रखता है, अभी भी वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। पाइल नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन, अभी भी वो कोशिश करता है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ना कि वो मैसेजेस तो लिखता है बट टाइप करता है डिलीट करता है, टाइप करता है डिलीट करता है, ये सिचुएशन चल रही है। बट ऑप्शन नंबर वन, आप लोग, मैंने जैसे कहा कि मेजॉरिटी व्यूवर्स यहाँ पर, आप लोग अपने सीक्रेट एडमायरर को जानते हो, सीक्रेट लवर को जानते हो, कहीं ना कहीं आप, आपको पता है कि वो इंसान बात करना चाहता है, बट मैंने जैसे कहा कि आप दोनों में अभी बातचीत नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है आपकी ज़िंदगी में, या फिर आप किसी पेन से गुजरे हो या फिर वो पर्सन किसी पेन से गुजरा हुआ है, दैट्स वाई वो कम्युनिकेट करना चाहता है। एंड कहीं ना कहीं वो होप कर रहा है या फिर आप होप कर रहे हो कि वो पहले बात करे। आप होप कर रहे हो कि वो पहले बात करे, वो कम्युनिकेट करे, एंड वो चाहता है कि आप पहले बात करें, आप कम्युनिकेट करें। तो इसके वजह से हो सकता है कि डिले हो रहा है, या फिर इसके वजह से हो सकता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं कह सकती हूँ गाइस। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो इंसान है, जो भी आपका सीक्रेट लवर है, सीक्रेट एडमायरर है, वो क्रॉस रोड सिचुएशन पे है गाइस अभी फिलहाल, तो क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा रास्ता चूज करूं, आपकी तरफ बढ़े ये सही रहेगा, या फिर अगर आपकी तरफ बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं सिचुएशन एंड हो जाएगी, या फिर आप उसको कबूल नहीं करोगे, या फिर आप रजामंदी नहीं दोगे इस रिश्ते के लिए, या फिर इस उनके प्यार के लिए। ऐसा मैं कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना टू ऑफ सोल्स के नीचे डेथ कार्ड है, तो कहीं ना कहीं डर है इस इंसान के जहन में, इस इंसान के लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है, या फिर हो सकता है उसका फैमिली का प्रेशर हो सकता है, कहीं ना कहीं आप हो सकते हो, तो मतलब एक जगह पे फैमिली है, एक जगह पे उसका करियर हो सकता है, और दूसरी जगह पे आप हो सकते हो, तो इसी के तहत हो सकता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ बढ़े, क्योंकि अगर वो कहीं पर भी बढ़ता है तो सिचुएशन एंड होती जाएगी, या फिर उसको ऐसा डर है कि सिचुएशन खत्म हो जाएगी। या फिर आपका, आपसे जुदा होने का डर भी उसको लग रहा है, एंड कहीं ना कहीं ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, पाइल नंबर वन, ऐसा मैं कह सकती हूँ। दैट्स वाई वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, अगर बन पड़े तो आप उससे बात कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कुछ व्यूवर्स के लिए हो सकता है कि ये सीक्रेट एडमायरर आपके वर्क प्लेस से रहेगा, ऑप्शन नंबर वन। वर्क प्लेस, या फिर अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस पे रह सकता है, बिजनेस लोकेशन पे रह सकता है, आपके जॉब के रिलेटेड रह सकता है, जहाँ पर आप आपका जॉब करते हो वहाँ पर ये इंसान रह सकता है। बट कहीं ना ये इंसान जो है उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, नो डाउट वो आपको स्पाई करता है गाइस। अगर आप ऑनलाइन रहते हो या फिर सोशल मीडिया पे, अगर आप कहीं पर भी ऑनलाइन रहते हो तो ये इंसान आपको देखता है, दूर से ही देखता है, बट ना ये मैं कह सकती हूँ कि उसके माइंड में, उसके जहन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल या फिर कन्फ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे फाइव ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। तो यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास में कुछ झगड़ा हुआ है इस इंसान के साथ। अगर आप सिर्फ फ्रेंड्स भी रहेंगे या फिर फ्रेंड्स के तौर पे आप
तौर पे भी इस इंसान से बात करते रहेंगे, बट कहीं ना आप लोगों का आर्ग्यूमेंट हुआ है, आप दोनों की जो बातें हैं वो एक दूसरे से मिलती नहीं है, आपकी सोच एक दूसरे से मिलती नहीं है, इसके तहत हो सकता है कि चीज़ें एंड हो चुकी है, इसके तहत हो सकता है कि आप दोनों का हार्ट ब्रेक हो चुका है, पाइल वन, ओके, बट फॉर श्योर ये आपका सीक्रेट एडमायरर, आप उसको जानते हो, पहचानते हो, एंड कहीं ना कहीं आप खुद चाहते कि वो इंसान आपसे बात करे, कम्युनिकेट करें, क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर वो बढ़ता है, अगर वो हाथ देता है, आपकी तरफ आता है, तो कहीं ना कहीं आप उसको नज़रअंदाज करोगे या फिर आप उसको कबूल नहीं करोगे, ऑप्शन नंबर वन। बट ना मुझे कुछ व्यूवर्स के लिए ये भी एनर्जी मिल रही है, कहीं ना कहीं वो खुद सरप्राइज देने वाला है आपको, या फिर कहीं ना कहीं खुद वो आपको कम्युनिकेट कर सकता है, ओके, जब उसके लाइफ के फिनेंशियल मैटर्स से वो बाहर निकलेगा, जब उसके करियर वाइज स्टेबिलिटी उसको मिलेगी, मनी वाइज स्टेबिलिटी मिलेगी, तो कहीं ना कहीं वो खुद सरप्राइज करेगा आपको, कहीं ना कहीं वो खुद कॉन्टैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर सरप्राइज का भी कार्ड है। तो कहीं ना कहीं मैंने जैसे कहा कि कोशिश तो वह लगातार कर रहा है आपसे बात करने की, या फिर आपसे कम्युनिकेट करने की, क्लैरिटी देने की कोशिश तो कर रहा है, पर जैसे मैंने कहा वो मेंटल थॉट से या फिर मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि मैंने जैसे कहा यहाँ पर सोच के कार्ड है, तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस वो हो सकता है, या फिर टॉरस वो को कैप्रिकॉर्न वो रहेगा, ठीक है। सो मेंटल तौर पे वो अभी पर्सन स्टेबल नहीं है गाइस, एंड यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि वर्क प्रेशर भी हो सकता है, फैमिली का मसला हो सकता है, यहाँ पर हाउस भी है तो घर का भी मसला हो सकता है, या फिर उसका घर लेना है, उसके सपने ज़्यादा हो सकते हैं, वो जॉब में बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, इसके वजह से हो सकता है कि वो आपको नज़रअंदाज कर रहा है, बट द सीक्रेट एडमायरर जो भी है आपका वो आपके नज़दीक का ही है, दूर का नहीं है, ओके, आपके वर्क प्लेस पे भी रहेगा तो आपके विद इन क्लोज प्रोजेक्ट में हो सकता है, या फिर आपके आसपास ही बैठता रहेगा गाइस, ये मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर कुछ व्यूवर्स के लिए ये भी मैसेज मिल रहा है मुझे कि अगर आप कहीं घूमने जाते हो, बीच पे जा रहे हो, या फिर कहीं पर अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हो, या फिर पानी के आसपास अगर आप घूमने जाते हो, तो वहाँ से भी ये आपका सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे ये भी एनर्जी मिल रही है कि कहीं ना कहीं आप लोग घूमने जाते हो, पाइल नंबर वन या ऑप्शन नंबर वन, ओके, तो ये मॉर्निंग वॉक हो सकता है या फिर टहलना हो सकता है, ओके, तो जहाँ पर भी आप पानी के आसपास टहलते रहोगे ना, तो ये सीक्रेट एडमायरर वहाँ से भी बिलोंग हो सकता है, या फिर वहीं से ही आपको देखता रहेगा, या फिर वहीं से ही आपको सीक्रेटली प्यार करता रहेगा, ऑप्शन नंबर वन, ओके, बट कहीं ना कहीं मैंने कहा कि वो इंसान उम्मीद लगाकर बैठा है कि वो आपकी तरफ बढ़े, आपकी तरफ क्लैरिटी दे, एंड कहीं ना कहीं चीज़ें सॉर्ट आउट करे, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ से एडवाइस लेंगे ऑप्शन नंबर वन के लिए, बट जैसे मैंने कहा कि अगर बन पड़ता है तो आप उसको मैसेज कर सकते हो गाइस, ओके, क्योंकि ये इंसान खुद मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है, कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, ओके, ओवरबर्डन हो सकता है, या फिर कुछ मेंटल बीमारी भी हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि उसके लाइफ में ना कुछ प्रेशराइजिंग मोमेंट्स ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर, जिसके तहत हो सकता है कि ये इंसान आपको सिर्फ दूर से देखता है, दूर से प्यार करता है, दूर से आपको स्पाई करता है, पाइल टू और पाइल नंबर वन, ओके, सो देखते हैं गाइस यहाँ पर हो सकता है, मैंने पाइल टू कहा तो हो सकता है कि पाइल टू के व्यूवर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं देखने के लिए कि इस पाइल से मुझे क्या मिलता है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं, यहाँ से एडवाइस लेते हैं हम ऑप्शन नंबर वन, पाइल नंबर वन के लिए कि एडवाइस है यू हैव इन द नियर फ्यूचर, तो यस ये इंसान आपको इन द नियर फ्यूचर कॉन्टैक्ट कर सकता है गाइस, ओके, सो यहाँ यहाँ पर है दैट समथिंग बेटर, तो हो सकता है गाइस कि सो आपको यहाँ पर ना दैट समथिंग बेटर ये भी कह रहा है गाइस कि कहीं ना कहीं ये इंसान खुद
अपने लाइफ में चेंजेस लेकर आएगा आपकी तरफ, तो एक बेहतर वे में आपकी जिंदगी में आ सकता है या फिर आपको क्लैरिटी दे सकता है। अगर आपको पता नहीं है तो डेफिनेटली ये इंसान ऐसा रहेगा कि जो बहुत ही बेहतर रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, तो एक न्यू वर्जन की तरह ये आपकी जिंदगी में आ सकता है। ओके, आपका सीक्रेट एडमायरर। ठीक है, सो यहाँ से एक और कार्ड लेते हैं गाइस। यू हैव चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओके, सो अभी फिलहाल के लिए तो हो सकता है कि आपको अपने वर्क प्रोफेशन में ध्यान देना है, अपने करियर में ध्यान देना है, क्योंकि ये जो इंसान है मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है, मेंटल दौर से गुजर रहा है। ओके, सो आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मेजोरिटी व्यूवर्स को पता है यहाँ पर कि आपका सीक्रेट एडमायरर, सीक्रेट लवर कौन है। ओके, सो चूज अ न्यू डायरेक्शन। कहीं ना कहीं ये मुझे लग रहा है ना कि यूनिवर्स बता रहे हैं आपको कि आपको अपने लाइफ पर फोकस करना है गाइस। ओके, अपने ग्रोथ की तरफ फोकस करना है, अपने गोल की तरफ फोकस करना है, एंड आपको पहले अपने चीज़ों को बेहतर करना है। ओके, अगर आप सेल्फ लव करते हो गाइस, तो डेफिनेटली ये, अगर आप जानते हो सीक्रेट एडमायरर को, तो ये डेफिनेटली आपको कॉन्टैक्ट करेगा, कॉल करेगा, एंड कहीं ना कहीं वो खुद क्लैरिटी चाहता है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें क्लियर खुद करेगा। तो आपको ओवर थिंक नहीं करना है। बॉटम ऑफ द डेक है इम्प्रूविंग हेल्थ, तो आपको सोचना नहीं है, जो कि मैंने अभी आपको कहा है गाइस। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ है गाइस, जैसे कि मैंने बताया कि आपको अपने गोल की तरफ देखना है, अपने आप पर ध्यान देना है। कहीं ना कहीं अगर आपका इस इंसान के साथ कंप्लीटली ब्रोकन सिचुएशन है, या फिर आप दोनों मूव ऑन कर चुके हो, आपके लवर से आप मूव ऑन कर चुके हो, आपको ये पर्सन नहीं चाहिए, आपको पास का पर्सन नहीं चाहिए, तो यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपके लिए कुछ अच्छा आएगा, कुछ बेहतर आएगा। ओके, एंड इसकी वजह से चूज अ न्यू डायरेक्शन, तो दैट्स वाई आपको अपने गोल की तरफ जाना है, आपके डायरेक्शन की तरफ जाना है, जो आपको सही मार्ग पे लेकर जाए, आपको सही रास्ता दिखाए, तो उस डायरेक्शन को चूज करना है। ओके, ये उनके लिए मैसेज था गाइज, जो अपने लवर से मूव ऑन कर चुके हैं, जो आपके सीक्रेट एडमायरर से मूव ऑन कर चुके हैं। ओके, तो उनके लिए मैसेज था। ठीक है, सो यस, दैट्स इट पाई वन। ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप गाइस ये आपसे रेजोनेट जरूर करेगा, एंड मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलिए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। ये ऑप्शन टू या पाइल नंबर टू। तो अगर आपने कार्ड सनफ्लावर का चूज करा है, एंड अगर आपने पाइल टू चूज करी है गाइस, जो कि एन से लेकर जेड तक की पाइल है, तो चलिए गाइस देखते हैं आपका सीक्रेट एडमायरर कौन है, आपका सीक्रेट लवर कौन है, कौन आपको स्पाई कर रहा है, कौन आपको वॉच कर रहा है। ओके, अगर मैं साइकिक लेवल पर बात करूं पाइल नंबर टू, ऑप्शन नंबर टू की, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि आप इन चीज़ों से भागते हो। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा, कहीं ना कहीं आपको ना इन चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं हूँ ऐसा कह सकती हूँ, या फिर इस मामले में आपको पढ़ना ही नहीं है, तो मेंटल तौर पर आप इन चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर टू, पाइल नंबर टू। क्योंकि ना हो सकता है कि आपने ऐसे गलत लोगों से पंगा लिया है, या फिर गलत लोग आपकी ज़िंदगी में थे, जिसके तहत हो सकता है कि आप इन सीक्रेट एडमायरर या लवर या फिर रिलेशनशिप, इन चीज़ों से आप लोग भागते हो, ऑप्शन नंबर टू, पाइल नंबर टू। ओके, देखिए कार भी निकल उछल के गिरा है। ओके, यस, आप लोग सही टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हो, डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हो, जो आपके लिए सही रहेगा, जो आपके लिए बेहतर रहेगा। एंड दैट्स व्हाई मैंने कहा कि आप इन चीज़ों से भागते हो, प्यार व्यार या फिर लव, ऐसे चीज़ों से आप लोग भागते हो। हो सकता है इस रीडिंग में भी आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ऑप्शन नंबर टू, फिर भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो गाइस। ओके, चलिए देखते हैं गाइस कि सीक्रेट एडमायरर कौन है, सीक्रेट प्यार कौन है आपकी ज़िंदगी में। यहाँ पर कुछ व्यूवर्स के लिए हो सकता है, कुछ व्यूवर्स के लिए बात कर रही हूँ गाइज, कि आपका सीक्रेट एडमायरर ना आपसे ही भागता है। मतलब आप जानते हो कि ये पर्सन कौन है, आप उससे बात करने जाते हो, तो ये इंसान आपसे भागता है। ओके, तो दो सिचुएशंस मैंने बताई, एक तो आप भागते हो, या फिर आपका सीक्रेट एडमायरर ही भागता है, जिनको पता है कि आपका सीक्रेट एडमायरर कौन है। ओके, हालांकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि मेजॉरिटी व्यूवर्स यहाँ पर नहीं जानते कि आपका सीक्रेट एडमायरर कौन है, तो जो जानते हैं आप लोग खुद भागते हो इन चीज़ों से। ठीक है,
या फिर वो भागता है। तो चलिए देखते हैं पायल टू के लिए, कार्ड से क्लियर होते गाइस, देखते हैं क्या है पायल नंबर टू के लिए। सीक्रेट एडमायरर कौन है, सीक्रेट लवर कौन है आपका पायल नंबर टू के लिए। ओके, सो पायल वन के लिए फर्स्ट कार्ड है, इट्स एज ऑफ सोर्ड्स। एज ऑफ सोर्ड्स ये पायल वन के लिए भी था गाइस। ओके, मैंने पायल वन कहा, पायल टू के लिए पायल वन कहा मैंने, तो यस मुझे ऐसा लग रहा है कि पायल वन के भी कुछ व्यूवर्स रहेंगे यहाँ पर। ओके, सो एज ऑफ सोर्ड्स है फर्स्ट कार्ड, देन नेक्स्ट है सेवन ऑफ पेंटिकल्स है, उसके बाद है यहाँ पर मैजिशियन, वाव पायल नंबर टू, एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर इट्स एज ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पायल नंबर टू, वाव। एंड यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्स। ओके, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लेते हो गाइस, देन बताती हूँ मैं आपको पायल नंबर टू के लिए सीक्रेट एडमायरर कौन है। पायल नंबर टू, यू हैव योर कंस्टेंसी, उसके बाद है वेटिंग, उसके बाद है सर्विस, जर्नी। ओके, पायल नंबर टू, इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे आपकी एनर्जी यहाँ पर, क्योंकि मैंने कार्ड निकालने से पहले कहा था गाइस कि आप लोग यहाँ पे वेडिंग है गाइस। ओके, क्रिस्टल क्लियर इंडिकेशन है पायल नंबर टू के लिए। मैंने कहा था कि आपकी ज़िंदगी से आप लोग इन चीज़ों से भाग रहे हो, या फिर जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है, जो भी सीक्रेट लवर सीक्रेट एडमायरर आप जिनको पसंद करते हो, वो आपकी ज़िंदगी से भागता है। ठीक है, मतलब क्रश हो सकता है, तो जैसे रेजोनेट होता है गाइस वही लेना है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। एंड मैं ना मल्टीपल सिचुएशंस बताती हूँ, क्योंकि हर एक की एनर्जी अलग रहती है, हर एक के सवाल अलग रहते हैं, ठीक है, हर एक की सिचुएशन भी अलग रहती है। तो आपका सीक्रेट एडमायरर कौन है पायल नंबर टू? यहाँ पर मुझे बेसिकली लग रहा है कि आपका सीक्रेट एडमायरर वो है जो वाकई में आपसे प्यार करता है गाइस। ओके, उसके जोडियक साइंस कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एंड यहाँ पर जेमिनी की एनर्जी प्रोमिनेंट है गाइस। ओके, मतलब एयर साइन की एनर्जी प्रोमिनेंट है, एयर एलिमेंट की एनर्जी। ओके, तो आपका सीक्रेट एडमायरर ना सिर्फ आपसे प्यार करता है, बट कहीं ना वो आप में बहुत ज़्यादा सीरियस है पायल नंबर टू। ठीक है, कहीं ना कहीं वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहता है, एक लव प्रपोजल देना चाहता है, या फिर एक लव ऑफर देना चाहता है। ओके, यहाँ पर देखो तो दो एसेस के कार्ड है, दैट मीन्स वो लव के मामले में, या फिर उसके जो फीलिंग्स रहेंगे, उसके जो इमोशंस रहेंगे, वो आपको जाहिर करना चाहता है, बात करना चाहता है, चीज़ें क्लियर करना चाहता है, क्योंकि इसके लिए वो काफ़ी वेट कर रहा है। ओके, कब सही टाइमिंग आएगा, कब सही वक्त आएगा, या फिर आप भी हो सकता है कि आप भी वेट कर रहे हो कि कब ये इंसान मेरे तरफ पड़ेगा, कब ये इंसान मेरे तरफ आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना मैंने व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड दिखाया था आपको गाइस, वो जो कि गिरा था। ओके, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहा है वो इंसान, कि कब डिवाइन टाइमिंग आएगा, सही वक्त आएगा, कि जहाँ पर वो खुद के इमोशंस आपको बताएगा एंड चीज़ें वो क्लियर करेगा, बातचीत करके वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहता है, क्योंकि इसके लिए वो वेटिंग पीरियड पे है पायल नंबर टू, ऑप्शन नंबर टू। आपका सीक्रेट एडमायरर आपसे बहुत प्यार करता है गाइस, बहुत प्यार करता है। अगर आप किसी से ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हो, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हो गाइस, या फिर आपका सिर्फ एक कैजुअल फ्रेंड हो सकता है, आपका बचपन का फ्रेंड हो सकता है, आपके वर्क लोकेशन से हो सकता है, जॉब लोकेशन से हो सकता है, तो ये उसके इमोशंस तो दिखा नहीं रहा है, बट कहीं ना कहीं उसके दिल में आपके लिए
बहुत ज़्यादा प्यार है एंड बहुत ज़्यादा एक अपनापन है गाइस, ओके, सच्चापन है, अपनापन भी है और कहीं ना कहीं सच्चापन है। एंड ना मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि ना वो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहता है या फिर आपकी ज़िंदगी स्मूथ करना चाहता है, बट यहाँ पर ना उसके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस चल रही हैं कि वर्क का प्रेशर हो सकता है, जॉब का प्रेशर हो सकता है, मनी मैटर हो सकता है, जिसके तहत वो थोड़ा सा उसने खुद को होल्ड करके रखा है। कहीं ना कहीं वो सोच रहा है कि मेरे लिए सही समय कब रहेगा, सही टाइम कब रहेगा कि वो आपकी तरफ बढ़ेगा एंड बात करेगा। ये इंसान आपका जो सीक्रेट एडमायरर है, सीक्रेट लवर जो है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। पाइल नंबर टू, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। अगर आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत कम व्यूवर्स रहेंगे कि आप इसको जानते हो गाइस, बहुत कम पाइल नंबर टू के। बट अगर आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये इंसान भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, तो एनर्जीज आप दोनों की सिमिलर है पाइल नंबर टू, ओके। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ लाना चाहता है एंड आपकी ज़िंदगी बेहतर करना चाहता है गाइस, ओके, आपकी तरफ बढ़ना चाहता है एंड ये बढ़ेगा गाइस, क्योंकि मैजिशियन के साथ साथ जर्नी का कार्ड है। दैट मीन्स ये इंसान खुद आपकी तरफ बढ़ेगा, खुद चलकर आएगा। अगर आप किसी से ऑनलाइन कम्युनिकेट कर रहे हो, ये इंसान अगर दूसरे स्टेट से है, दूसरे सिटी से है या फिर आउट ऑफ इंडिया का भी है, या सिर्फ आप दोनों में सिर्फ एक कैजुअल फ्रेंड की तरह बात हो रही है, तो ये इंसान उसके इमोशंस आपको बताएगा एंड खुद आपकी तरफ आएगा, खुद एक मैग्नेट की तरह आपकी तरफ खींचा चला आएगा। पाइल नंबर टू, ओके, जर्नी, दैट मीन्स ही विल कम फॉरवर्ड टू यू, ओके, एंड कहीं ना कहीं वो मैच्योरिटीली चीज़ों को हैंडल भी करेगा या फिर ना लॉयल्टी के साथ आपकी तरफ बढ़ेगा। इस इंसान का प्यार तो है आपके लिए, सच्चापन है एंड कहीं ना कहीं बहुत फिजिकल अट्रैक्शन भी उसको होता है गाइस। वो रह नहीं पाता है या फिर रह नहीं पाएगा आपसे बातें करे बगैर या फिर आपके पिक्चर्स देखे बगैर या फिर आपसे कम्युनिकेट करे बगैर, ये इंसान नहीं रहता है या फिर नहीं रह पाएगा। ये कुछ व्यूवर्स के लिए हो सकता है कि आपका पड़ोसी भी है गाइस, कुछ व्यूवर्स के लिए मैसेज है गाइस ये, ओके, आपका पड़ोसी भी हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ व्यूवर्स को पता है, कुछ व्यूवर्स को नहीं पता है एंड आप लोग इस इंसान से भागते हो या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं है या फिर ये मेरे चॉइस के हिसाब का नहीं है, तो कुछ व्यूवर्स के लिए हो सकता है ये मैसेज, ओके, बट आप सोच रहे हो बट ये इंसान वाकई में आपसे बहुत प्यार करता है एंड ही इज़ वेटिंग फॉर अ राइट मोमेंट कि कब वो आपकी तरफ बढ़े एंड कब वो आपकी तरफ आए, ओके, बट मैंने जैसे कहा कि ये इंसान बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर ना वेडिंग का कार्ड है। सो इस इंसान का आपको लेकर बहुत सीरियस है गाइस, ओके, बहुत सीरियस इंटेंशन है, ओके, यहाँ पर फेक नहीं दिख रहा है मुझे या फिर कोई छलावा नहीं दिख रहा है। ये इंसान बहुत ही लॉयल है एंड ये इंसान खुद आपको मैनिफेस्ट कर रहा है गाइस। एंड जब ये इंसान आपकी तरफ आएगा, जब ये खुद उसका जो प्यार है आपको जाहिर करेगा, डेफिनेटली आप भी इसकी तरफ मैग्नेट की तरफ खींचे जाओगे गाइस, ओके। सो ये मैग्नेटिक मुझे एनर्जी दिख रही है कि जब ये इंसान आपकी तरफ आएगा, बढ़ेगा, कहीं ना कहीं आपको भी इसके लिए इमोशंस जगने लगेंगे क्योंकि ये इंसान के जो इंटेंशंस है, ये कार्ड भी गिर गया गाइस, ओके, कहीं ना कहीं मैंने जैसे कहा कि इंटेंशंस जो है ये प्योर है, ओके, ये छलावा नहीं है एंड कहीं ना ये ऐसे गिरा, दैट मीन्स यहाँ पे रोज है, तो हो सकता है कि ये रोज आपको देना चाहेगा पाइल नंबर टू, ओके, सो रोज रोज देखे आपको अट्रैक्ट कर सकता है या फिर उसके जो इमोशंस हैं वो जाहिर कर सकता है, बट ये इंसान बढ़ेगा, फॉर श्योर बढ़ेगा गाइस, ओके। अगर आप इस इंसान से भाग भी रहे हो या फिर ये इंसान थोड़ा सा आपसे भाग रहा है, फिर भी ये आपके बगैर नहीं रह पाएगा। कुछ व्यूवर्स के लिए हो सकता है कि आपका ये फ्रेंड ही है गाइस, मैंने जैसे कहा कि सोशल मीडिया पे आप किसी से बातें कर रहे हो तो आपके फ्रेंड सर्कल से भी हो सकता है गाइस, ओके, फ्रेंड सर्कल से हो सकता है या फिर फ्रेंड्स के जरिए आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है, ओके, सो सीक्रेट एडमायरर ये आपके करीब का ही है, ओके, करीब का है। कुछ व्यूवर्स के लिए हो सकता है कि आपका फैमिली का ही बंदा है,
कुछ व्यूवर्स के लिए हो सकता है गाइस, ओके। यहाँ पर ना कुछ व्यूवर्स के लिए ये भी मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है कि ये इंसान शादीशुदा है। ये स्पेसिफिक व्यूवर्स के लिए मैसेज रहेगा कि इंसान शादीशुदा है, उसके शादी में कोई मसले चल रहे हैं या फिर उसके मैरिज पहले मैरिज में कोई मसले चल रहे हैं, एंड दैट्स वाई वो आपको छुप छुप के देखता है या फिर आपको स्पाई करता है। बट कहीं ना कहीं इसके इमोशंस है आपको लेकर। ये कुछ व्यूवर्स के लिए पता रहेगा, कुछ व्यूवर्स को आपको पता रहेगा कि ये इंसान शादीशुदा है, एंड दैट्स वाई मैंने कहा कि आप इस इंसान से भाग रहे हो कि मुझे शादी पर्सन नहीं चाहिए, ओके। सो मैरिज में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है इसके, पहले मैरिज में कुछ ना कुछ मसले हो सकते हैं, तो दैट्स वाई आप थोड़े से भाग रहे हो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, ओके। या फिर ये इंसान भाग रहा है तो कुछ ना कुछ है यहाँ, ठीक है। पायल नंबर 2 के स्पेसिफिक व्यूवर्स के लिए मैसेज रहेगा गाइस, ओके। और ये इंसान बढ़ेगा जैसे कि मैंने कहा, आएगा ये आपकी तरफ, ओके। सो चलिए देखते हैं यहाँ से मैसेज क्या है ऑप्शन नंबर 2 के लिए। परफेक्ट टाइमिंग, मैंने कहा था ना ये इंसान परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहा है, ये कब सही समय आएगा एंड तब ये बढ़ेगा आपके लिए। रिकंसिडर, तो ये एडवाइस आपके लिए है कि अगर ये इंसान आता है, अगर ये इंसान सच्चा है तो आपको रिकंसिडर करना है गाइस। हो सकता है ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ भी चुका था एंड कहीं ना कहीं आपने इसको इग्नोर किया है, एंड फिर भी वो आपको प्यार करता है, फिर भी वो आपको स्पाई करता है, फिर भी वो आपको एडमायर करता है। तो यूनिवर्स यहाँ पर बता रहे हैं कि रिकंसिडर करें, सोचिए इस पर, ओके। सो ये कुछ व्यूवर्स के लिए मैसेज हो सकता है कि रिकंसिडर आपको करना है, ओके। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स से आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है पायल नंबर 2। क्लियर कट आंसर है, ओके। क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहा है तो विद इन फ्यू नेक्स्ट मंथ्स आपको वो कॉन्टैक्ट कर सकता है पायल नंबर 2, ठीक है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग थी गाइस पायल नंबर 2 की, एंड ना मुझे यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिली है उस इंसान की, जो भी आपका सीक्रेट एडमायरर है, जो भी आपका लवर है, बट ये वाकई में प्यार करता है गाइस। क्योंकि मैंने जैसे आपको दिखाया कि यहाँ पर वेडिंग का कार्ड है, तो हो सकता है कि वह सही समय पर आपके पेरेंट्स की तरफ आएगा या फिर सही समय पर ही आपकी तरफ बढ़ेगा, एक शादी का प्रपोजल लेके, मैरिज प्रपोजल लेके या फिर लव ऑफर लेके, जो कि मैंने पहले ही आपको कहा है गाइस, ठीक है। सो दैट्स इट पायल नंबर 2, ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप गाइस ये आपसे रेजोनेट जरूर करेगा, एंड मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलिए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।